रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में कर्नल डीके सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने माला पहनाकर और भाजपा का पट्टा देकर सभी को सम्मानित किया। इस सदस्यता ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कर्नल वी के सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी की सदस्यता ली है। ये इस बात को प्रतीत करता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और कारवां निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जितना हो सके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब बात है कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी आप बताइए, एक पार्टी है जिसमें मोदी जी उनके नेता हैं, अमित शाह जी हैं, टाइगर आदमी, योगी जी काम कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री का काम देखिए। ऐसे लोगों को हाथ मजबूत करना हर आदमी का कर्तव्य है। 70 साल में देश में क्या से क्या हो गया, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए 14 के बाद से क्या हो रहा है। तो ऐसे आदमी का हाथ अगर मजबूत ना करें, हम घर में बैठे रहें, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स गो ऑल आउट एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर दिस पार्टी। और ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारा पार्टी का कारवां चल चुका है इस राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने। उसमें इस कारवे में हर दिन नए संख्या जुड़ती चली जा रही है। हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान को, विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं लोग, तो दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, तो साथ ही साथ राज्य की सरकार जो यहाँ बैठी हुई सरकार है, जो जनविरोधी नीतियों का संरक्षण है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण है, अपराधियों का संरक्षक है, और साथ साथ विकास विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और आप आज अखबारों में सब लोगों ने पढ़ा है कि 135 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए दिया था, लेकिन ये राज्य की सरकार मात्र 13 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है।